अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, अभी मैं आपके लिए जो नया टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ वो है हमारे पास स्केलर्स एंड वेक्टर्स। स्केलर्स एंड वेक्टर्स, इनके अंदर हम डिफरेंशिएट भी करेंगे और इनको अच्छे तरीके से समझने की कोशिश भी करेंगे। हमारे पास फर्स्ट क्वांटिटी, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि इन फिजिक्स वी कम अक्रॉस वेरियस क्वांटिटीज सच एज मैस, लेंथ, वॉल्यूम, डेंसिटी, स्पीड एंड फोर्स। वी डिवाइड देम इनटू स्केलर्स एंड वेक्टर्स। ये ऊपर आपके सामने जिनको मैंने टिक किया है, ये तमाम हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज ही हैं और ये फिजिकल क्वांटिटीज जो हैं इनके अंदर हम डिफरेंशिएट करते हैं कि इनके अंदर स्केलर कौन सी हैं और वेक्टर कौन सी हैं। अगर हम फर्स्ट ये स्केलर का टॉपिक पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है अ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी के बारे में हम अच्छे तरीके से पहले इसको चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं, फिजिकल क्वांटिटी को। कि फिजिकल क्वांटिटी, फॉर एग्जांपल, अगर बाजार से चीनी लेने जाएं तो हम कहते हैं कि 5 किलोग्राम चीनी दे दें, ये 5 किलोग्राम चीनी आपने खरीद दी। इसके अंदर 5 जो है वो न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड है, यानी कोई नंबर है, और साथ में ये किलोग्राम जो है वो यूनिट है। जब कभी भी आपके पास कोई फिजिकल न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड या नंबर कह लें उसको, जब न्यूमेरिकल वैल्यू हो आपके पास, जिसको न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड कहते हैं, और उसके साथ यूनिट आ जाए, तो फिर हम इस टोटल क्वांटिटी को फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। जस्ट लाइक 5 किलोग्राम 7 लीटर्स, 5 मीटर पर सेकेंड। दोबारा स्केलर क्वांटिटी पे जाते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड अ स्केलर क्वांटिटी। मैग्नीट्यूड के अंदर सिर्फ इसमें सॉरी सिर्फ और सिर्फ अगर क्वांटिटी बता दी जाए तो उसको हम स्केलर कहते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ क्वांटिटी मीन्स इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू विद अप्रोप्रिएट यूनिट। न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड के अंदर उन्होंने कहा कि दो चीजें आपको मस्ट बतानी होंगी, मैग्नीट्यूड जो है उसमें वही दोबारा से न्यूमेरिकल वैल्यू कोई भी, और न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ कोई भी यूनिट साथ में मस्ट जरूरी है, तो ये हम कहेंगे जी मैग्नीट्यूड। तो इसमें हमारे पास मैग्नीट्यूड जो है ना वही जरूरी होती है, इसके अलावा किसी चीज की जरूरत नहीं। डायरेक्शन का तो इसमें कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं, और अगर कुछ मतलब जो है ना हम अपने तौर पे डायरेक्शन लगाना भी चाहें तो वो मीनिंगलेस हो जाता है। मिसाल के तौर पे कि अगर बाजार से चीनी लेने जाएं और आप दुकानदार को बोलें कि जनाब मुझे 5 किलोग्राम चीनी दे दें यहाँ से ले के, यहाँ से शुरू हो के टूवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ 5 किलोग्राम चीनी दे दें, तो वो आपका मुंह तक देखना शुरू कर देगा।
कि ये बच्चा क्या कह रहा है, या कपड़ा लेने जाएं तो बोले 5 मीटर, चले 5 मीटर तो मैग्नीट्यूड हो गई, साथ में बोले जी टूवर्ड्स ईस्ट कपड़ा दे दें, तो वो तो बेचारा परेशान हो जाएगा कि ये मतलब जो है ना, ये मेरा गाहक जो है थोड़ा उसका दिमागी तोज़न थोड़ा सा जो है ना परेशान लग रहा है। अदरवाइज कपड़े के लिए डायरेक्शन नहीं होती, चीनी के लिए डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है, दूध वाला वायर आता है 5 लीटर दूध टूवर्ड्स जो है ना वेस्ट करेंगे, तो वो भी परेशान हो जाएगा, वो बोलेगा कि आप थोड़ा सा लगता है नींद नहीं पूरी हुई। मतलब कहने का ये है कि ऐसी बहुत सी क्वांटिटीज हैं जिनके लिए डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती, दे कैन ओनली बी डिस्क्राइब्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, कि जिसमें मैंने कहा है कोई नंबर और साथ में यूनिट, जैसे 7 मीटर, 12 किलोग्राम या इस तरीके के, तो ये हमारे तो होगी इसकी एक्सप्लेनेशन। अब इसमें स्केलर्स के अंदर जो क्वांटिटीज हैं, देखें मास 5 किलोग्राम, टूवर्ड्स नॉर्थ कहेंगे अजीब लगेगा, लेंथ 6 मीटर, टूवर्ड्स ईस्ट बोलेंगे गलत लगेगा, को बंदा पूछे जी टाइम, बंदा फौरन टाइम बोले जी 6 o'clock टूवर्ड्स नॉर्थ, एक बड़ा जैन मतलब जैन। स्पीड के अंदर भी सिर्फ स्पीड ही बतानी होती है, जैसे 5 मीटर पर सेकेंड, और वॉल्यूम जो है जैसे 5 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम है। सिमिलरली वर्क और एनर्जी, ये भी दो क्वांटिटीज ऐसी हैं कि जिनको डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती, तो ये हमारे पास तो इसकी एग्जाम्पल हो गई। अब हम इसमें चलते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ। डेफिनेशन जो इस स्केलर की है वो क्लियर यहाँ पे लिखी हुई है, अ स्केलर क्वांटिटी इज डिस्क्राइब्ड कंप्लीटली बाय इट्स मैग्नीट्यूड ओनली। मैग्नीट्यूड का जस्ट जेन में दोबारा मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ, जस्ट लाइक 5 किलोग्राम या 3 मीटर, कुछ इस तरह की क्वांटिटी हो, डायरेक्शन जरूरी नहीं होती, तो ये इसकी डेफिनेशन है, और ऊपर जो है ना इसकी एग्जाम्पल दी गई है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप के ऊपर हम आ जाते हैं वेक्टर्स के अंदर। वेक्टर्स क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज होती हैं कि जिनको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की बहुत जरूरत होती है, इसके बगैर वेक्टर क्वांटिटीज को एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल ये इसमें इसकी एग्जाम्पल जो है वो भी हम पढ़ते हैं और उसकी डेफिनेशन भी पढ़ते हैं। इसके हवाला जो है यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में ये लिखा हुआ है, वेक्टर कैन बी डिस्क्राइब्ड कंप्लीटली बाय मैग्नीट्यूड, तो मस्ट आएगी अलॉन्ग विद डायरेक्शन, विदाउट डायरेक्शन वेक्टर क्वांटिटीज कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड। एग्जाम्पल्स ऑफ वेक्टर जो है ना आर वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, मोमेंटम, टॉर्क एटसेट्रा। इट वुड बी मीनिंगलेस टू डिस्क्राइब वेक्टर्स विदाउट डायरेक्शन। वेक्टर्स के बगैर मतलब डायरेक्शन के बगैर वेक्टर्स उसकी मुकम्मल एक्सप्लेनेशन हो ही नहीं सकती। फॉर एग्जाम्पल डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट इज इनसफिशेंट टू लोकेट दैट प्लेस, द डायरेक्शन ऑफ दैट प्लेस फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट इज ऑल्सो नेसेसरी टू लोकेट इट। इसकी एग्जाम्पल जो है, जो ये इसमें बताया गया है, मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करने की थोड़ी सी कोशिश करता हूँ, एंड आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट वेल, कि डायरेक्शन क्यों ज़रूरी है। डायरेक्शन इसलिए ज़रूरी है कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक सर्कल सा बना हुआ है, ग्राउंड है, जैसे क्रिकेट का ये ग्राउंड हो गया,
मैं इस क्रिकेट के ग्राउंड में सेंटर में खड़ा हूं, मुझे इसका क्लियर डिस्टेंस पता है कि सेंटर से लेकर इस ग्राउंड की बाउंड्री लाइन तक जो टोटल डिस्टेंस है वो भी मुझे पता है, 50 मीटर्स। अब अगर ग्राउंड के अंदर मैं खड़ा हूं और साथ ही मेरे एक और दोस्त खड़ा है और हम दोनों ग्राउंड में हैं, मुझे अपना एक पुराना दोस्त नजर आया है, ये इस तरफ को, ये मेरा दोस्त मुझे नजर आया है। फॉर एग्जाम्पल, इसका नाम अहमद है और मैं इधर खड़ा हूं सर रफी, और मेरे साथ एक क्लास का स्टूडेंट ही है, अहमद का दोस्त है। अहमद जो बाहर ग्राउंड के बाउंड्री लाइन पे बैठा हुआ है, वो सेंटर में जो जहां पे क्रिकेट हो रही है वहां पे फर्ज करें अली बैठा हुआ है। अब सर रफी देखते हैं अहमद को और उनको नजर आ जाता है, तो एकदम से खुश होके अली को कहते हैं, ओए अली, मैं ग्राउंड में ना आपका दोस्त आया हुआ है। अब वहां पे अगर 50,000 का क्राउड हो और अली जिस जगह पे बैठा हुआ है वो ग्राउंड के किसी भी किनारे की तरफ बैठा हो, तो कम से कम सेंटर से 50 मीटर तो दूर ही है। अब अली एक्साइटेड होकर मुझे कहता है कि सर मुझे अहमद का बताएं, सर मुझे अहमद का बताएं, सर मुझे अहमद का बताएं। मैं उसको 100% भी बोलूंगा ना कि अली बेटा, अहमद इस वक्त हमसे 50 मीटर दूर है। अब 50 मीटर दूर कहने से है तो एग्जैक्टली 50 मीटर दूर ही है, मैग्नीट्यूड वाकई उसकी इतनी ही है, लेकिन अहमद को ढूंढना उस ग्राउंड में अली के लिए बहुत मसला करेगा। फिर जब मैं उस जो है ना अली को, मैं बहुत परेशान हो गया, कहता है कि सर इससे तो मैं क्लियर नहीं मुझे हो रहा, मैं तो परेशान हूँ सख्त कि मैं कैसे जो है ना इसको जो है ना मुझे नहीं पता चल रहा। तो जो ही मैं अपने हाथ से पॉइंट आउट करूंगा कि टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन, ये जब मैं उसको उंगली से उधर पॉइंट आउट करूंगा तो अली की नज़र वहां पे दिखेगी, तो उसको अहमद नज़र आ जाएगा और वो एक्साइटेड फॉर्म में नारे लगाने शुरू होगा, जी सर मेरा पुराना दोस्त वो नज़र आया, मुझे बड़ी खुशी है, ये है वो है। तो इस एग्जाम्पल से आपको पता चल चुका होगा कि किस तरीके से सिर्फ मतलब 50 मीटर बताने से मसला हल नहीं होता, मसला तब हल होता है जब उसके साथ डायरेक्शन भी बताएंगे। अगर हम पिप स्कूल के अंदर फॉर एग्जाम्पल बैठे हों और कोई बंदा पूछे कि पेट्रोल पंप किस तरफ है, तो मैं मतलब अजनबी आदमी को जिसको बाहर का नहीं पता, वो रात को अंधेरे में आया और मतलब जाना सुबह उठा है, तो वो कहता है कि मुझे पेट्रोल पंप पे जाना है, मैं उसको कहूँ जी यहाँ से 750 मीटर दूर चले जाएं तो आपको मिल जाएगा पेट्रोल, तो वो परेशान हो जाएगा जब तक उसकी डायरेक्शन नहीं ना बताएंगे कि इस रोड पे जाएं और आगे जाके आपको पेट्रोल पंप मिल जाएगा। तो आपने इस एग्जाम्पल से डियर स्टूडेंट्स थोड़ा सा रियलाइज तो किया होगा कि बाज़ क्वांटिटीज ऐसी ही होती, ऐसी भी होती हैं कि मैग्नीट्यूड के साथ उनको डायरेक्शन की जरूरत होती है लाजमी। अब हम आगे थोड़ा सा मूव करते हैं, तो इसमें हम स्केलर क्वांटिटी को तो जो है इसमें वेक्टर क्वांटिटी, ये हमारे पास सामने आ गई वेक्टर। इसमें डेफिनेशन इसकी हम पढ़ने जा रहे हैं। डेफिनेशन में लाजमी बात है मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन का उसने जिक्र करना है, अदरवाइज तो बहुत ज्यादा जो है ना, ठीक है जी, ये वैसे उससे सिमिलर है, जस्ट आप डायरेक्शन उसमें ऐड कर देंगे। डेफिनेशन जो है इसकी, ये इस वक्त आपके सामने ये वेक्टर की डेफिनेशन जो है ये आपके सामने आ गया। अ वेक्टर क्वांटिटी इज डिस्क्राइब्ड कंप्लीटली बाय मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन।
यहाँ पर अगर ये लॉन्ग के क्वेश्चन के तौर पर आ जाए तो लॉन्ग के तौर पर तो ये टॉपिक टोटली हमें लिखना भी होगा, बीच में हर टॉपिक की हेडिंग, उसकी एग्जांपल्स और उसकी डेफिनेशन वगैरह, और फाइनल तक पहुँचना होगा इसके एंड तक। लेकिन अगर जस्ट इसके शॉर्ट आ जाए कि व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटी, देन यू विल ओनली डिफाइन इट एंड गिव इट्स फ्यू एग्जाम्पल्स। और अगर स्केलर की आ जाए तो उसको भी डिफाइन कर दें और उसकी एग्जाम्पल्स दे दें, जस्ट जो दो तीन एग्जाम्पल्स आप दे दें तो उससे आपके शार्ट बन जाएंगे। और लॉन्ग के तौर पे करना हो तो आप इसको लॉन्ग के तौर पर भी कर सकते हैं। अब हम आगे थोड़ा सा मूव करते हैं कि इसमें एग्जाम्पल वंस अगेन बताया गया कि कुछ क्वांटिटीज के जिनकी डायरेक्शन अगर ना बताई जाए तो बहुत ही मसला पैदा हो जाता है। मसलन इस एग्जाम्पल के अंदर, इसको मैं अपने तरीके से ज़रा बताने की कोशिश करता हूँ, ये थोड़ा सा दो लाइन इधर से बढ़े। कंसीडर टेबल एज शोन इन फिगर ए, कह दें इसको फिगर को, फिगर ए, टू फोर्सेस एफ वन एफ टू आर एक्टिंग ऑन इट, इसको बीच में से कट कर देंगे अगर इसका लॉन्ग लॉन्ग बनाना होगा, ठीक है जी, तो फिर तो लॉन्ग का क्वेश्चन ये बन जाएगा, राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन स्केलर्स एंड वेक्टर्स। लेकिन अगर आप इसको जस्ट शॉर्ट आ जाए तो मैंने कहा डेफिनेशन और साथ में कुछ एग्जांपल वगैरह आप इसके कर सकते हैं। अभी मैं आपको सेंस बताने लगा हूं कि फोर्स की मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन जरूरी क्यों है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे घर में एक टेबल है, ये नीचे ये टेबल, ये वाला टेबल है जिसको हम एक कमरे से घसीट कर दूसरे रूम में लेकर जाना चाहते हैं। मैं फॉर एग्जाम्पल दो जो लेबरर हैं उनको लेके आता हूँ, वो मजदूर हैं, और फर्ज कर लेते हैं कि उन दोनों की फोर्स, दोनों मजदूरों की 100 न्यूटन एक के बाजुओं में है और 100 न्यूटन दूसरे के बाजुओं में है। मुझे पता था टेबल इतना को हैवी है कि एटलीस्ट वी नीड 200 न्यूटन फोर्स टू पुश दिस टेबल। मैंने बाहर से खड़े होकर बोला कि उस कमरे में टेबल है तो आप दोनों जाओ और उस टेबल को ले आओ, बाहर ले आओ। 10 मिनट के बाद, आधे घंटे के बाद वो आए हैं पसीने से शराबूर, उनकी हालत ही कोई नहीं, शदीद परेशान है। मैंने कहा कि आप टेबल नहीं लाए, आपकी हालत जो है ना पसीना, और नहीं जी हमारे पास का रोग नहीं है, हमारे पास का रोग नहीं, वो बहुत भारी, बारे बस का रोग नहीं। मैं परेशान हो गया, मैंने कहा कि दो बंदे पहले अंदर छोड़ के गए थे, ठीक है जी, 2 हफ्ते पहले, अब उसको बाहर निकालने, दो बंदों से नहीं निकाले, वो क्या गया है। मैंने कहा चलो हम मेरे सामने ज़रा ट्राई करो। वो क्या कर रहे थे कि एक फोर्स लगा रहा था, राइट वर्ड खींच रहा था और एक दोबारा से लेफ्ट वर्ड खींचना शुरू किया हुआ। तो यहाँ पर वो फोर्सेस तो दोनों की लग रही थी, टोटल फोर्स विच वॉज एक्टिंग ऑन द टेबल दैट वॉज 200 न्यूटन, लेकिन ये 200 न्यूटन जब 100 एक तरफ और 100 दूसरी तरफ आएगी तो दीज टू फोर्सेस कैंसल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, तो टेबल को जो फोर्स मिल रही है वो तो 0 मिल रही है, इसलिए टेबल ना लेफ्ट पे जा रहा है। कहता है देखे हम पूरा जोर लगा रहे हैं, पसीनो पसीन होए हुए हैं, नहीं मूव कर रहा। तो फिर मुझे पता चला कि नो हो, डायरेक्शन इज वेरी वेरी नेसेसरी। मैंने उनको ये बताया ही नहीं कि किधर से आपने इसको खींचना है,
तो फिर वो दोनों को मैंने कहा कि एक साइड पे आ जाएं। वो दोनों आए हैं, कहते हैं आप देख लें, कोई मसला हल होने वाला नहीं है। लेकिन जब दोनों एक ही साइड से फोर्स लगाएंगे तो टेबल को वो घसीट कर बाहर ले आए। नतीजा ये निकला कि फोर्सेस अगर हमारे पास अवेलेबल हों, काफी मकदार में हों, 5, 10, 20, और उन 5, 10, 20 फोर्सेस को अगर हम अफेक्टिवली इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उनकी डायरेक्शंस को बहुत ज्यादा मद्देनजर रखना पड़ेगा, अदरवाइज हमारी वो जो एक्शन होगा वो सारा डिस्टर्ब हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट इसका जो पेज है उसके ऊपर थोड़े से इसकी रह गया है जो है ना, उसके ऊपर चलते हैं। वो इसमें एग्जांपल में पीछे है कि दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, एक टेबल में दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं और दूसरे में अपोजिट डायरेक्शन में हैं। दोनों की एग्जांपल तो मैंने बता दिया कि इसमें क्या क्या मसाइल आते हैं। सर्टेनली द टू सिचुएशंस डिफर फ्रॉम ईच अदर, दे डिफर ड्यू टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन द टेबल। डिफर का मतलब ये है कि अगर अपोजिट लग रही हैं तो कैंसिल हो के नो रिजल्ट, और अगर दोनों सेम डायरेक्शन में लग रही हैं तो 100+100 200 की आउटपुट मिलेगी हमें। दस द डिस्क्रिप्शन ऑफ फोर्स वुड बी इनकम्प्लीट इफ डायरेक्शन इज नॉट गिवन। सिमिलरली व्हेन वी से वी आर वॉकिंग एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर टूवर्ड्स नॉर्थ, ये मैग्नीट्यूड भी आ गई और साथ में ये नॉर्थ की तरफ डायरेक्शन भी आ गई, देन वी आर टॉकिंग अबाउट वेक्टर्स। सो डियर स्टूडेंट्स, यू विल लिसन माय लेक्चर ब्रीफली, और एग्जांपल्स जो है आपको बता दी गई हैं इन केस कि अगर इसमें कोई मसला हो तो आप मुझे मैसेज पे बता सकते हैं और इंशाल्लाह हम उसको सॉर्ट आउट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।